हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टीचर्स चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कैंसर। कैंसर है क्या? सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि कैंसर की स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, कैंसर क्या है, ये सारे डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। कैंसर इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अगर हम सारी डिजीज को देखें तो उन्हें हम दो ब्रॉडली दो मेन कैटेगरीज में क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग इज दैट कम्युनिकेबल डिजीज और डिसऑर्डर्स, सेकेंड थिंग इज दैट नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल वो होती हैं जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ईजी वे पे ट्रांसमिट हो सकती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल जिसमें कैंसर, डायबिटीज, ब्लाइंडनेस ये सारी डिजीज आती हैं, उन्हें हम नॉन कम्युनिकेबल कहते हैं, जो ईजी वे पे एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट नहीं हो पाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम कैंसर को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर में रखते हैं। इसके लिए हम दूसरी टर्म्स भी यूज करते हैं, जैसे कि आपने कैंसर के लिए सुना होगा नियोप्लास्ट है, मैलिग्नेंट है, कार्सिनोमा है, ट्यूमर्स है। दीज ऑल आर द टर्म्स और वी कैन से सिनोनिम्स यूज फॉर कैंसर्स। कैंसर की स्टडी को, इस पूरी ब्रांच को अलग से साइंस में डील किया जाता है, तो स्टडी ऑफ द कैंसर इज कॉल्ड ओंकोलॉजी। ओंकोलॉजी वर्ड जो है स्पेशली स्टडी कैंसर की स्टडी के लिए बनाया गया है। कैंसर वर्ड को कॉइन करने का काम किया था हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया कि ये वर्ड जो है कैंसर, कैंसर का मतलब है नई सेल्स, कैंसर दैट मीन फॉर्मेशंस ऑफ न्यू सेल्स। इसी तरीके से फ्रेंड्स, हमने जो वर्ड देखा न्यूप्लाज्म, दैट मीन देयर इज अ न्यू, न्यू मीन्स न्यू एंड प्लाज्म मीन्स प्लाज्मा, मतलब जब भी नए प्लाज्मा का फॉर्मेशन होगा और उसके थ्रू नई नई सेल्स का फॉर्मेशन होते जाएगा, इसे हम कहते हैं कैंसर इन न्यूप्लाज्मा। आफ्टर दैट आते हैं हम डेफिनेशन पर। तो पर्टिकुलरली हम कैंसर किसे कहेंगे, इसके लिए एक स्पेसिफिक डेफिनेशन होनी चाहिए। तो वेरी सिंपल, एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ एनी सेल्स, एनी टिश्यूज ड्यू टू द प्रोलिफरेशन ऑफ सेल्स टिश्यूज विद एडजुएंट टिश्यूज टू द ऑर्गन, इट इज कॉल्ड कैंसर। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी किसी भी सेल्स या टिश्यूज की अनकंट्रोल्ड एबनॉर्मल ग्रोथ रेट से ग्रोथ होती जाती है, कंटिन्यूसली ग्रोथ होती जाती है, और वो ग्रोथ होते होते उस पर्टिकुलर सेल्स से टिश्यूज तक, और टिश्यूज से बॉडी के दूसरे ऑर्गन तक, और दूसरे ऑर्गन से और अदर ऑर्गन्स तक पहुंच जाती है, इस कंडीशंस को हम मैलिग्नेंसी कहते हैं। मैलिग्नेंसी क्या है? तो कैंसर की वो स्टेज जिसमें कि सेल्स की फॉर्मेशंस कंटिन्यूसली बढ़ती जाती है, एबनॉर्मल ग्रोथ रेट होती है, और वो पहुंचकर किसी ऑर्गन को भी इफेक्ट कर सकती है, उसे हम मैलिग्नेंसी कहते हैं। वैसे बेसिकली मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, देयर इज अ टू बेसिक कैटेगरी ऑफ द कैंसर। नाउ फर्स्ट इज अ बेनाइन, सेकेंड इज अ मैलिग्नेंट। बेनाइन वर्ड इज अ बेनाइन, बेनाइन वर्ड जो है उससे आपको समझ में आता होगा बिगनिंग, स्टार्टिंग। तो हम ये कह सकते हैं कि कैंसर जो है कि स्टार्टिंग स्टेज को हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। ये मूवेबल नहीं होते हैं, ये मूव नहीं कर सकते, इसलिए जब भी इस टाइप की सेल्स बनना शुरू होती हैं तो वो एक ही जगह पर, एक ही प्लेस पर स्टिक होकर रह जाती हैं, मूव नहीं करती हैं। बट इसी की नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं हम मैलिग्नेंट की। तो मैलिग्नेंसी एक ऐसी स्टेज है, बेनाइन के बाद ही मैलिग्नेंसी स्टेज आती है। मैलिग्नेंसी स्टेज में वही ट्यूमर सेल्स, वही सेल्स जो एक जगह स्टिक थी, वो फास्ट मूव कर सकती हैं, बॉडी के एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में जा सकती हैं, लिम्स में जा सकती हैं, ब्लड में जा सकती हैं, और दूसरी जगह माइग्रेट होकर दूसरी ऑर्गन पर कैंसरस सेल को ग्रो करा सकती हैं। आफ्टर दैट हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैंसरस एंड नॉर्मल सेल्स में। वट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर सेल्स? ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। कैंसर में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कैंसरस सेल कौन सी है और नॉन कैंसरस सेल कौन सी है। इसके लिए हम सिंपल एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। सपोज दैट हमने कुछ सेल्स ली, कुछ सेल्स को लेकर हमने उसको कल्चर मीडिया में दोनों को हमने प्लेस करके देखा, नॉर्मल सेल्स को भी और कैंसर सेल को। तो देखिए हमें क्या देखने मिलता है, जब हम नॉर्मल सेल्स को प्लेस करते हैं कल्चर मीडिया में, तो इनकी जो ग्रोथ रेट है वो एक मैनर में होती है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक मैनर में इनकी ग्रोथ हो रही है। वहीं इसी के कॉन्ट्रास्ट में हम कैंसर सेल्स को देखते हैं, इनकी ग्रोथ जो है वो एक मैनर में नहीं है, इवन ये
एबनॉर्मल ग्रोथ है, इनका कोई ग्रोथ रेट नहीं होता है, फिक्स ग्रोथ रेट नहीं होता है, इनमें सेल डेथ, सेल सिग्नलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो दैट इज़ अ मेन थिंग जो कि डिफर करती है नॉर्मल सेल्स से कैंसरस सेल को, कि जो कैंसरस सेल्स होती हैं उनमें प्रोलिफरेशन होता जाता है, सेल डेथ नहीं होती है, सेल सिग्नलिंग मैकेनिज्म नहीं होती है, ये सेल्स ऑलवेज एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट होकर रहती है, स्टिक नहीं करती है। जबकि हम नॉर्मल सेल्स को देखें तो ये एक दूसरे से स्टिक होकर रहती है, और इनमें सेल सिग्नलिंग और सेल डेथ जो है वो बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर माना जाता है, जैसे कि हम नॉर्मल फिनोमेना कहते हैं सेल डेथ को। इसी पूरी प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, तो आप देख सकते हैं प्रोलीफरेशन ऑफ नॉर्मल सेल्स वर्सेस टाइम, मतलब टाइम और सेल की ग्रोथ रेट के बीच में अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हमें क्या देखने मिलता है। यहाँ से सेल्स का बढ़ते जाना स्टार्ट होता है और एक स्टेज पर आकर ये स्टग्ड हो जाती है, इनकी ग्रोथ स्टग्ड हो जाती है। दैट मीन इसकी ग्रोथ रेट वो उस प्रोपोर्शन में नहीं रह जाती है, इसकी ग्रोथ रेट कम हो जाती है या बिल्कुल ही स्टॉप हो जाती है, और ये सेल जो है वो डेथ की तरफ आ जाती है। इस स्टेज को हम कहते हैं प्लेट्यू स्टेज। प्लेट्यू स्टेज, इस स्टेज पर जाकर सेल की ग्रोथ रेट बिल्कुल ही कम हो जाती है। जबकि आप कैंसरस सेल की हम को देखेंगे तो कैंसरस सेल में आपको क्या दिखाई देगा, जैसे ही टाइम बढ़ता जाता है सेल्स की जो ग्रोथ है वो बढ़ती जाती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है, कंटिन्यूअसली बढ़ती जाती है। इस तरीके का हमें ग्राफ जो है वो देखने के लिए मिलता है, ग्रोथ रेट कंटिन्यूअसली बढ़ता जाता है, इसमें कोई भी सेल डेथ या सेल सिग्नलिंग नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। तो दैट इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन, वी कैन वेरी इजिली सी विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, प्रोलिफरेशन ऑफ सेल वर्सेस टाइम द बोथ नॉर्मल सेल्स एंड कैंसर।